नमस्कार, आप देख रहे हैं चले न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। इसराइल की सीरिया पर एयर स्ट्राइक। इसराइल ने बुधवार देर रात को सीरिया के दो एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की है। पहला हमला अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ, जहां हथियार लेकर पहुंचे ईरान के विमान को निशाना बनाया गया। दूसरा हमला दमिश्क एयरपोर्ट के पास हुआ। दोनों ही जगहों पर इसराइल की तरफ से मिसाइल दागी गई। सीरिया की न्यूज़ एजेंसी सना के मुताबिक इसराइल ने 4 मिसाइलें दागी। हमले के बाद एयरपोर्ट पर भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने इस पर बयान देने को इनकार कर दिया। इसके पहले 14 अगस्त को भी इसराइल ने राजधानी दमिश्क और टाइम्स के पास हवाई हमला किया था। इस हमले में 3 सैनिकों की मौत हो गई और 3 अन्य सैनिक घायल हुए थे। ड्रैगन की यूएस में जासूसी करने की साजिश नाकाम। चीन की ओर से अमेरिका में जासूसी करने की साजिश नाकाम हो गई। चीन ने बगीचा विकसित पर उसके पगोडा मठ या गुबन बनाकर जासूसी करना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI के वक्त रहते उसे रोक दिया गया। दरअसल चीन ने साल 2017 में अमेरिका के सामने $10 करोड़ करीब 700 करोड़ रुपये खर्च कर दिए बगीचा और पगोडा बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए नेशनल एटम नाम की जगह तय की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस समेत अन्य सरकारी भवनों से 8 किलोमीटर दूर है। चीन पगोडा की ऊंचाई की वजह से वह दूर तक नजर रखना चाहता है। वाशिंगटन के स्थानीय प्रशासन ने की इसकी मंजूरी दी थी और FBI ने चीन के इरादों को भापते हुए प्रस्ताव रद्द कर दिया। बता दें कि चीन में अमेरिका ने अपने हुवेई के हिवाई से भी जासूसी करने की कोशिश की। FBI की जाँच में सामने आया है कि चीन ने मोबाइल टावर्स पर हुवेई के जासूसी डिवाइस लगाने की साजिश रची थी। इसका मिड वेस्ट के सैन्य ठिकानों की जासूसी की जा सकती थी। दो ईदगाह, एक में गणेशोत्सव की मंजूरी, दूसरे में नहीं। मंगलवार को कर्नाटक के दो ईदगाह मैदानों में गणेश चतुर्थी के आयोजन को लेकर दो अदालतों ने दो अलग फैसले दिए। पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु को ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी को आयोजन की अनुमति नहीं दी। वहीं दूसरे फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली में ईदगाह मैदान पर गणोत्सव मनाने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने 30 अगस्त की रात को सुनवाई में बेंगलुरु को चामराजपेट ईदगाह में गणेश चतुर्थी आयोजन की अनुमति नहीं दी। 27 अगस्त को राज्य सरकार की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईदगाह में गणेश चतुर्थी के आयोजन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 30 अगस्त को कर्नाटक हाईकोर्ट में अंजुमन ए इस्लाम की याचिका को खारिज करते हुए हुमली ईदगाह के गणेश चतुर्थी के आयोजन की इजाज़त दे दी है। 31 अगस्त को अंजुमन इस्लाम ए ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। झारखंड में 4 बजे राज्यपाल में मिलेंगे महागठबंधन के नेता। झारखंड में UPA प्रतिनिधिमंडल राजभवन से मिलने का समय मांगा है। राजभवन में उन्हें 4 बजे का समय दिया है। JMM कांग्रेस और RJD नेता के साथ साथ विधायक और सांसद भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहेंगे। उधर झारखंड में जारी सियासी घमासान के बीच किसी भी शुक्रवार का दिन अहम हो सकता है। सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। राजभवन पर दबाव बनाने के लिए सरकार विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला सकती है। इसके जरिए सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह खुद भी विधानसभा में विश्वास मत पारित कर सकते। विधानसभा के विशेष सत्र की घोषणा की कैबिनेट की बैठक के बाद भी की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक के लिए सभी मंत्रियों को रांची बुला लिया गया है। JMM कोटे के मंत्री जहां पहले ही रांची में हैं, तो कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री जिन्हें राजपुर शिफ्ट किया गया, उन्हें बुधवार की शाम स्पेशल विमान में रांची बुला लिया गया है। SC में रतन टाटा की याचिका पर सुनवाई। राइट टू प्राइवेसी को लेकर रतन टाटा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस द्विवेदी चंद्रचूड़, जैसे हेमा कोहले और जैसे PM नरसिम्हा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। नीरा राडिया टेप लीक होने के बाद रतन टाटा ने 2011 में निजता के हवन को मुद्दा बनाकर याचिका दाखिल की थी। टाटा की ओर से दलील दी गई है कि उनके फोन कॉल के बाहर लीक किया जा सकता है, जो आर्टिकल 21(2) के खिलाफ। इस याचिका पर अंतिम सुनवाई 2014 में हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान टाटा की ओर से कॉर्पोरेट लॉबीस नीरा राडिया की टेप में रिकॉर्ड बातचीत की रपट मुहैया कराने की मांग की गई है। 2011 में एक सुनवाई के दौरान टाटा के वकील मुकुल रोहतागी ने कोर्ट में कहा है कि टेप के रिकॉर्ड बातचीत के आयकर विभाग के महानिदेशक ने जो जांच रिपोर्ट बनाई है वह सौंपा जाए, ताकि वह इस मामले में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं की पर कानूनी कार्रवाई कर सके।
पंजाब में व्हाट्सएप पर मिलेंगे सरकारी सर्टिफिकेट। पंजाब में आम आदमी पार्टी आप सरकार ने बड़ी पहल की, अब लोगों को किसी भी तरह के सर्टिफिकेट घर बैठे व्हाट्सएप पर मिलेंगे। उन्हें सिर्फ इसका आवेदन करने के लिए सेवा केंद्र आना होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट डिजिटल साइन के साथ उन्हें व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ईमेल से भी यह सुविधा मिलेगी। पहले लोगों को होलोग्राम और फिजिकल साइन कराने जरूरी होते हैं, जिसे अब खत्म कर दिए गए। पंजाब के गवर्नर रिफॉर्म्स मिनिस्टर गुरमीत मीत हेयर ने चंडीगढ़ में अफसरों से मीटिंग के बाद कहा है इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी यूनिवर्सिटी MBC समेत कोई प्राइवेट या सरकारी संस्था में उसे वैलिड माना जाएगा। मंत्री गुरमीत मीत हेयर ने बताया है कि 248 सेवाएं ऑनलाइन की जा रही है, उन्हें व्हाट्सएप पर यह सहूलियत उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले समय में अगर किसी को जाति या रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो किसी भी पहले सेवा केंद्र के अप्लाई करना होगा, फिर उसे सेवा केंद्र आगे होलोग्राम लगवा कर साइन करवाना पड़ता है। यह सिर्फ लोगों को सेवा केंद्र आगे अप्लाई करना होगा, इसके बाद व्हाट्सएप पर उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उन्हें होलोग्राम या फिजिकल साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पाइसजेट की फ़्लाइट में खराबी। गुरुवार को दिल्ली से नासिक जा रही स्पाइसजेट की फ़्लाइट में टेक ऑफ के बाद अचानक से ऑटो पायलट सिस्टम में खराबी आ गई, जिसके चलते फ़्लाइट को दिल्ली वापस लौटना पड़ा। DGCA के मुताबिक स्पाइसजेट में 2737 फ़्लाइट में SG8347 ने सुबह 6:57 दिल्ली में नासिक के लिए उड़ान भर दी, लेकिन बीच हवा में ऑटो पायलट सिस्टम खराब हो गया, फ्लाइट को दिल्ली लौटना पड़ा। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया है कि जैसे ही टेक ऑफ किया तो फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को ऑटो पायलट सिस्टम में खराबी का पता चला, तो इसके तुरंत बाद दिल्ली में वापस लैंडिंग की गई है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर 29 अगस्त को लैंडिंग के समय स्पाइसजेट बोइंग 737-800 के विमान का टायर फट गया था, जिसके बाद दिल्ली के आ रही फ्लाइट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खास बात यह है कि विमान के कैप्टन को भी प्लेन की लैंडिंग गियर ने खराबी का पता नहीं चला। गनीमत रही कि दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को क्रू मेंबर्स सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। पुजारी के बेटे ने नवजात को बेचने के लिए चुराया। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज से मंगलवार दोपहर चोरी हुए बच्चे 20 घंटे के नवजात को बुधवार देर रात पुलिस ने बरामद कर लिया। 36 घंटे बाद पुलिस ने नवजात बच्चे को नौचंदी थाना क्षेत्र में फूलबाग कॉलोनी से बरामद किया। बच्चे को चोरी करने वाली गांधी आश्रम के मंदिर के पुजारी का बेटा निकला है। आरोपी अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सकते। बच्चे को बेचने के लिए चोरी किया था। पड़ोस की महिला को देखकर वह फरार हो गया। महिला भी नवजात के देखरेख कर रही थी। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। किठोर की महल वाला गांव में रहने वाले नीनू की पत्नी डोली ने सोमवार दोपहर बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद बच्चा गायनिक वार्ड में मां के पास लेटा था। मंगलवार दोपहर एक युवक डोली के पास पहुंचा, उसने खुद को मेडिकल कॉलेज का कर्मचारी बताया। एशिया कप के सुपर चार में भारत अफगानिस्तान के बाद टीम इंडिया एशिया कप के टॉप चार में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन गई। भारत टीम ने अपने दूसरे लीग मैच में हांगकांग को 40 रन से हराया है। पहले बल्लेबाज करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 152 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने भारत की ओर से सबसे बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 26 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्के की मदद से नाबाद को 68 रन बनाए। उसका स्ट्राइक रेट 261 का रहा। पूर्व कैप्टन विराट कोहली 44 गेंदों पर 59 रन बनाकर नवाज रहे। विराट ने अपनी पारी में 1 चौका और 3 छक्के जमा किए। अल राहुल ने 39 गेंद पर 36 और कैप्टन रोहित शर्मा ने 13 गेंदों पर 21 रन बनाए। जवाब में हांगकांग ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 152 रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह और आवेश खान को 1-1 विकेट मिला। सलमान खान ने की बप्पा की आरती। सलमान खान ने गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। दरअसल सलमान गणेश महोत्सव के लिए बहन अर्पिता खान गए घर पहुंचे। वीडियो में सलमान बप्पा की आरती उतारते दिखाई दे रहे। क्लिप के अर्पिता और अपने पति आयुष शर्मा अपने बेटे के साथ आरती करते हुए नजर आ रही। इस खास मौके पर सलमान की माँ सलमा भी अर्पिता के घर पहुंची। वीडियो शेयर करते हुए सलमान ने लिखा है कि गणपति बप्पा मोरे। बता दें कि सलमान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग में बिजी है। ये फिल्म इस साल 30 दिसंबर को रिलीज होगी। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।